शानदार खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, युवा जोश नई सोच के साथ फिर से एक बार विशाल पटेल के साथ खबर चौंसी में आप सबका स्वागत है। आज दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। सीतापुर बताइए भाई साहब, क्या समस्या थी? देखिए, समस्या सबसे बड़ी विकट समस्या हमारे गांव के अंदर ये है कि हमारा जो गांव है इसके पड़ोस में और भी गांव है, जैसे हमारे गांव का ग्राम सभा गोविंदापुर लग रहा है जिसमें उसमें भी लाइट चल रही है। हमारे पड़ोस में जस्ट बगल में हमारा उरीशापुर है, डबकहा है, इन गांव में बराबर लाइट चल रही है। लेकिन काफी हमने प्रयास किया है, कई बार हमने पेपर में एक खबर निकलवाई है, फिर भी हम लोगों की कोई सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। मैंने इसको लेकर आपने किसी और को सूचित किया? मैंने सूचना दी है लेकिन फिर भी वहां से हमको कोई मतलब क्या कहते हैं सुनवाई नहीं वहां से भी हमारी हुई है। सूचना दी आपको कितने दिन हो गए जी? सूचना दिए कितने दिन हो गए? हाँ, सूचना दिए लगभग हो गए हैं, एक महीना हो गए हैं। इससे पहले भी हमने दे चुके हैं सूचना, अभी तीन दिन पहले हमने पेपर में भी खबर निकलवाई है, जिससे हमको अभी तक कोई कहीं से हमको सूचना नहीं मिल पाई कि आपके गांव में लाइट लगनी है। सर समस्या अपनी बताइए जी। मेरे समस्या ये है, देखिए कि हमारा गांव काफी पिछड़ा हुआ है, रतनगंज गांव। अच्छा। और हिंदुस्तान की आज़ादी के, इंडिया को आज़ाद हुए 70 साल गुजर चुके हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। लाइट सबसे बड़ी समस्या इस वक्त की है, हर शख्स को, हर व्यक्ति को आवश्यकता है लाइट की, लेकिन इसके बावजूद लाइट नहीं मिल रही है। 70 साल गुजर गए हैं, मोदी जी की योजना भी चल रही है कि जो है घर घर लाइट होगी, लेकिन इसके बावजूद 70 साल गुजर गए, आज भी लाइट यहाँ पर नहीं मौजूद है। शुरू से लाइट नहीं है। अपनी समस्या आप बताइए। हमारे यहाँ गोविंदा ग्राम सभा गोविंदापुर में लाइट जल रही है, डबकहा में लाइट जल रही है, उड़ीसापुर में लाइट जल रही है। अच्छा। पड़ोसी में है जी, हमने सांसद से, विधायक से, अल्लन भाई से, हर एक आदमी से, अधिकारी से, सबसे कहा गया है, लेकिन हमारे गांजर इलाके में लाइट लगवाने का कार्य कोई नहीं किया। कौन से गांव में? रतनगंज। अच्छा, इसको लेकर आपने किसी विभाग को सूचित किया है आज तक? बिजली विभाग को हमने कहा। अच्छा। और इससे पहले हमने